नमस्कार, वीएस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवा स्टाइल छोले की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ये चने रात को भिगो दिए थे और उबाल लिए हैं। और यहाँ पे अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे हम एक गिलास पानी और इसमें डाल देंगे हम 5 से 6 पीस सूखा आंवला और डालेंगे हम 1 चम्मच चाय पत्ती और इसको हम उबाल लेंगे। ये पानी हम सब्जी के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी हम इसकी गैस चेंज कर देते हैं और यहाँ पे रखेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगा और इसमें डालेंगे हम तेल। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, लगभग 2 बड़े चम्मच लिए हैं हमने तेल के, तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल हमारा हो गया गर्म। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची और 3 से 4 काली मिर्च और 1 चम्मच डाल दिया है मैंने जीरा। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे इस तरह। ये मसाले हमने ज़्यादा डार्क नहीं करने हैं, बस हल्के से ही भूनने हैं। तो यहाँ पे ये मसाले हमारे भून चुके हैं। इसमें हम डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने प्याज की प्यूरी बना रखी है, पीस लिए हैं। तो यहाँ पे हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तेल में और भूनते जाएंगे। यहाँ पे ये पानी हमारा हो गया बॉयल। अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसको छान लेंगे किसी छलनी से और इसको हम साइड में रख देंगे क्योंकि हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे प्याज लगभग सॉफ्ट हो गए हैं और ये भुन चुके हैं। देखिए, इनका सारा पानी सूख गया है। और अब हम इनमें डालेंगे अदरक और लहसुन। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इनकी पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो अब हम इनको भी प्याज के साथ भून लेंगे 2 मिनट तक चलाते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर। ये हम सूखे मसाले डालकर इनको प्याज के साथ ही इस तरह मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, नहीं अगर आपकी फ्लेम तेज़ होगी तो ये सारे मसाले जल जाएंगे। तो हमने इसको हल्की आंच पे ही भूनना है। देखिए, ये भून चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। ये मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली है। तो इनको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स इसके साथ। तो ये फ्रेंड्स हमारे मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने बाकी के मसाले डालने हैं। तो इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं काला नमक और 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं सफ़ेद नमक। दोनों नमक, काले नमक का बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा इसमें सब्ज़ी में, आप ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। और फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच पीली मिर्च का पाउडर। पीली मिर्च का पाउडर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसकी जगह पे लाल मिर्च या काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। पर पीली मिर्च का पाउडर अगर इसमें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी का। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अनारदाना, ये इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अनारदाना ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून एक छोटा चम्मच ही लिया है क्योंकि हमने इसके पानी में आंवला उबाल रखा है तो उससे ज़्यादा खट्टा हो जाएगा वरना, तो आप देख के डालें। तो यहाँ पे हमारा मसाला मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। तो ये मसाले ने देखिए यहाँ पे तेल छोड़ दिया है, अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल एकदम अच्छा परफेक्ट मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आंवला और चाय पत्ती का पानी उबाला था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको कर देंगे हम मिक्स। देखिए इस मसाले का कलर कितना अच्छा है। और अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा है। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको कर देंगे मिक्स और इसको हम उबाल लेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आता। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम उसमें चने ऐड करेंगे जो हमने उबाल रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बबल्स आ गए हैं, हमारा जो हमने पानी ऐड किया था मसाले में वो उबल चुका है।
तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने छोले उबाल रखे हैं, ये हम कर देंगे मिक्स। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हम छोले उबाल रखे हैं वो अच्छे से पूरी अच्छी तरह से बॉईल होने चाहिए, नहीं तो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। कई बार अलग अलग से रहते हैं, खड़े खड़े से चने रह जाते हैं तो सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसमें अच्छी तरह से छोले पूरी अच्छी तरह से बॉईल होने चाहिए, तो हम कर देंगे इनको मिक्स। और यहाँ पे हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे चने अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। और देखते हैं हम, देखिए वैसे तो हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है, पर अभी आपको दिख रहा होगा कि थोड़े से अलग अलग से हैं ये चने और इसकी ग्रेवी। तो इसके लिए हम इसे, जो चने लिए हमने, इनको मैश कर देंगे। किसी मैशर की सहायता से करें या आप इस चम्मच की सहायता से करें, या इसकी जगह आप आलू भी डाल सकते हैं। तो सब्जी हमारी हो गई रेडी, इसके लिए हम करेंगे अब तड़का तैयार। इसके लिए मैंने ये ले लिया है तड़का पैन, उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घी के। यहाँ पे मैं देसी घी ले रही हूँ, देखिए। तो इस तड़के का इस सब्जी के ऊपर बहुत ही अलग टेस्ट आएगा, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो जाएगी हमारी। यहाँ पर लिया है मैंने 2 पिंच हींग पाउडर, और लिया है ये अदरक पतला पतला कटा हुआ, और 1/2 टीस्पून से भी कम ले रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून लिया है मैंने सूखा कसूरी मेथी। तो इनको कर लेंगे हम मिक्स और ऊपर से हम सब्जी के ऊपर डाल देंगे, तो इससे इस सब्जी का टेस्ट और भी 4 गुना बढ़ जाएगा ऊपर से जो हमने देसी घी का तड़का लगाया। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे चावल, रोटी, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी और टेस्टी हलवाई स्टाइल सब्जी हमारी बनकर रेडी है। आप भी इस तरह से बना के देखें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।